हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उस लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम लोग फार्मूला देख रहे थे। फार्मूला में हम लोग इससे पहले 22 फार्मूला देख लिए थे, जिसमें कुछ बेसिक्स फार्मूला देखे थे स्टार्टिंग के, फिर ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूला थे हम लोग सारे देख रखे थे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं 22 फॉर्मूला के आगे हम लोग बात करेंगे जो इंटीग्रेशन का रेशनल एंड इरेशनल बेस्ड फॉर्मूला हुआ, इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ रेशनल एंड इरेशनल रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। दोस्त, उसी में हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ऐड करेंगे, ठीक है? जो पढ़ रखे हैं उसमें ही आगे ऐड करेंगे। ऐड क्या करना है सो देखिए, एक्चुअल में पहले आपको रेशनल और इरेशनल का मतलब पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल से आप क्या समझते हो, वो क्लियर होनी चाहिए। दोस्त, रेशनल का मतलब ही आपको पता है, ऑलरेडी पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, ये आपको मालूम है, ठीक है? और इरेशनल से क्या मतलब होता है, जब कोई भी नंबर हमारा क्या हो, रूट के अंदर में हो, जो परफेक्ट स्क्वायर इसका निकाल ना सके, तो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने से 4 है तो ये आपको बाहर निकल जाएगा, इरेशनल बन जाएगा, 2/1 इरेशनल बन जाएगा। 3 है, ये इरेशनल नंबर है, जो कि आप पहले पढ़ के आए हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। दोस्त, अब बात करते हैं, अगर आपको रेशनल इरेशनल का मतलब समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो कि अलजेब्रा से ही रिलेटेड होगा। अलजेब्रा मतलब बीज गणित का टर्म होगा। अभी हम लोग रेशनल और इरेशनल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म में, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अलजेब्रा के टर्म में, अगर हमको कोई रेशनल और इरेशनल फंक्शन हो और जो हम बता रहे हैं उस फॉर्मेट का हो। फिर से सुनिए, जो अभी हम लोग लिखेंगे उस फॉर्मेट का, अलग फॉर्मेट का होगा तो उसको हम लोग पहले इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, जिस जो कि आपको आगे के में हम सिखाएंगे कि कैसे उसको लाएंगे, तरीका बताएंगे। वही सब तो पढ़ना है ना, वही सब पढ़ना है, तो कि कैसे आप बदल के अपने फॉर्मूला में कन्वर्ट करके उसका यूज कर सकते हो। फॉर्मूला में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम होता है उसको अपने, जो हमारे पास जो हमारा नॉलेज होता है उसके पे हम सेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, रेशनल रिलेशन का फॉर्मूला, हम लोग रिलेशन बनाएंगे एक्स और ए के साथ, एक्स और ए, एक्स जहाँ वेरिएबल होगा और ए कॉन्स्टेंट होगा, और इसके साथ रिलेशन बनाना है। तो इसके साथ 3 तरह के रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। देखिए, प्लस और माइनस के टर्म में, प्लस और माइनस के टर्म में 3 तरह के रिलेशन बना सकते हैं। बाकी मल्टीप्लाई, तब मल्टीप्लाई से हमें कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि अगर x इंटू ए कहीं पे लिखा है या एक्स स्क्वायर इंटू ए लिखा है, ए कॉन्स्टेंट है, ए क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी नंबर के टर्म में कुछ हो सकता है और ये वेरिएबल है। तो अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, ए को बाहर कर देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें पता है कि ऑलरेडी गुना में रहेगा तो उसको बाहर कर देंगे, तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्लस और माइनस के टर्म में जब ये रिलेशन रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, हम लोग वही सोच के फॉर्मूला याद करेंगे, ताकि आपको याद करने में बहुत मदद करेगा। हम ये बता इसलिए रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन बता इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में मदद, कैसे लंबे समय तक आप उस बात को याद करो, क्योंकि याद भी कर लोगे रट्टा मार के ना, प्रैक्टिसों से याद करो भूल जाओगे, कन्फ्यूज रहोगे, लेकिन एक तरीका से याद रखे रहोगे ना, बहुत ही बढ़िया से याद रहेगा। जैसे देखिए, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, या पहला, दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तीसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्त, आप कहोगे कि सर एक्स प्लस ए लिख सकते थे, दोस्त हम बताते हैं, ये एक्स प्लस ए जो होता है ना, उसका इंटीग्रेशन अगर आपसे कहीं भी पूछ दिया जाए किसी भी टर्म में, तो आपको वन बाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम आपको पहले बता दें इसका वन बाई एक्स का लॉन एक्स होता है, आप आई लीनियर है तो आप करना सीख रखे, अगर हम और भी प्रैक्टिस करवाएंगे आगे फर्दर इन सब चीज़ों पर। तो तत्काल अभी हम लोग फॉर्मूला याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये 3 कंडीशन ही बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी तक ये जो हम लोग इसको लिखे हुए हैं ना,
ये रेशनल फॉर्म में ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना, पहले रेशनल इंटीजर देख लेते हैं, रेशनल इंटीजरल, ठीक है, रेशनल इंटीजर के। तो अब तीन तीन इसी देखो ध्यान से, तीनों केस देख लो, इसी तीनों केस को राइट लेफ्ट करके बनाना है। तो आ जाइए सबसे पहले रेशनल के लिए देखते हैं। अभी इसमें रूट नहीं लगाएंगे, है ना, इसमें रूट नहीं लगाएंगे बिना रूट का। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला जो इससे बन के आते हैं, यानी हमारा 23 फॉर्मूला होगा, जो कि 22 तक हम लोग पढ़ रखे हैं। अगर हम बात करें रेशनल इंटीजर, तो हमारा 23 फॉर्मूला होगा, जो इससे पहले हम 22 पढ़ रखे हैं। आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए उसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐसा हो सकता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो, याद करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, टेन इनवर्स एक्स, याद है दोस्त। यहाँ पे ये 1 जो था, ये 1 था, ये 1 का स्क्वायर ही था। इसका सबसे जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है, क्या होता है सो देखिए, 1 बाई ए टेन इनवर्स, ठीक है, 1 बाई ए जो ये 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, याद रखने हैं सी दोस्त। इसके आगे अगर हम फॉर्मूला की बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला की 24 अगला बनाइए, अगला ए कीजिए, नेक्स्ट क्या होगा दोस्त, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी दोस्त। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद रखना है। 1 बाई 2 ए तो होगा ही, लॉग तो होगा ही, ठीक है, 1 बाई 2 ए लॉग। अब क्या करना है आपको, याद रखना है कि देखिए एक्स माइनस ए स्क्वायर है ना, तो आपको याद रखना है कि इसमें पहले एक्स माइनस ए होता है, बट्टा में एक्स प्लस ए होता है। और ध्यान से देखिएगा, दो बातें हो सकती है, या आप यहाँ पे मॉड लगा लीजिए, प्लस सी कर लीजिए ये, नहीं तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अगर आप मोड नहीं लगाते तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 बाई 2 ए फॉर्मूला को लॉग एक्स माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए, और लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके बता देंगे हम लोग कि एक्स होना चाहिए वो ए से बड़ा होना चाहिए। दोस्त क्यों ऐसा बोलेंगे, इसके बोलने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे x माइनस ए, देखिए ध्यान से, अगर x बड़ा होगा a से तो e नीचे में तो प्लस हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये बड़ा होगा इससे तो उस केस में क्या होगा, इसको और इसको जोड़, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब ऑल द, हम आपको पहले बताया कि मोड पॉजिटिव करता है, लॉग कहता है कि हम निगेटिव नहीं लेंगे, लॉग कहता है हम निगेटिव नहीं लेंगे, तो लॉग के अंदर में निगेटिव होगा नहीं। तो ये आप इसको इसी बात को इस मोड लगा दीजिए, इसका मतलब कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, और यहाँ बोले एक्स ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बना रहे हैं इसको, तो दोनों कहने का सेम बात है, सेम तरीका है। तो अगर नहीं लिखते तो आप वहाँ पे बात नोट कर सकते हैं, अच्छा लगे। जैसे आप नहीं भी दीजिएगा तो काम चलता है, बहुत जगहों पे बच्चे नहीं देते हैं, लेकिन हम आपको बताए हैं कि जो नंबर आते हैं 70 में 70 और 97 98 99 100 मैथ में, वो उन्हीं बच्चे को आते हैं जो इन सब चीज़ को केयर करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हम आपको वो सब भी बात बताते चलेंगे टाइम टू टाइम, है ना, तो आप उसकी चिंता ना करें, कहाँ केयर करना है हम सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते चलते हैं। तो ये 24 था, है ना। अब आ जाइए एक और फॉर्मूला हम नोट डाउन कर लेते हैं, 25, जो कि इसके जस्ट विपरीत होगा, जो इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से 1 बाई 2 ए सेम रहेगा लॉग, ठीक है दोस्त। अब करना क्या है आपको, देखिए a प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स, ये कर लेना है। अब ये होगा हुआ क्या, एक्चुअल में आपको याद कैसे रखना है, देखो x माइनस ए, देखो टिप्स, देखो x माइनस ए तो x माइनस ए ऊपर में, x प्लस ए नीचे में, देखो इसका उलट गया तो आप क्या करो ना, a माइनस एक्स होता है यहाँ पे तो उसको भी उलट के लिख दो, a माइनस एक्स नीचे और a प्लस एक्स ऊपर।
हम याद रखेंगे कि x माइनस ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो सेम चीज़ें होती है। लेकिन इसमें क्या है कि एकदम x माइनस ए ऊपर में x माइनस है, नीचे में x प्लस ए है, ये इसके उल्टा का प्लस में कर देना है। यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम याद रखेंगे ऐसे कि अच्छा ए माइनस एक्स है तो इस ए माइनस एक्स तो होगा, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये उलट गया इसका, तो इसको नीचे जाने देते हैं, उसका ऊपरी विपरीत जो है उसको ऊपर लिख देते हैं। ये परमानेंट याद रखने का तरीका है, फिर भूल जाओगे आप जल्दी, अगर याद भी रखोगे तो कन्फ्यूज रहोगे तो भूल जाओगे, अगर ऐसे आप याद रखते हो तो लंबे समय तक याद रखेगा। तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग रेशनल इंटीजर का देख लिए अलजेब्रिक फॉर्म में। अगर ये देखिए ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इस पे बेस्ट, अगर ऐसा ही नहीं हो तो एग्जैक्ट इसको हम परफेक्ट स्क्वायर सब कुछ तरीका के बताएंगे जो सिखा कर आपको ऐसे ला के फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चिंता नहीं करना कि सर आप तीन तो फॉर्मूला बताए तो सवाल तो और कई तरीके से इसमें बन सकते हैं, तो जितने भी बनेंगे इस तरह के ना सबको हम लोग रिड्यूस करके कुछ कैलकुलेशन करके ऐसे बनाएंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, यही करना सीखना है हमें। एग्जैक्टली इसी तरह के काम सब होती है मैथ में, तो आपको सिखाएंगे आगे हम, लेकिन तब पहले फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो ये आप याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा दोस्त, इसमें किसी को हम लोगों में से किसी को हम लोग को भाई स्वाभी की प्रॉब्लम तो आएगी, हम लोग के दिमाग में ये बात आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा कि सर आप तो ये बता दिए हैं ऐसे ऐसे, और ऊपर रहेगा तब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तब क्या करेंगे सर? आप लोगों का कहना होगा सर ऐसे रहेगा तो क्या हो? दोस्त इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, आगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमको पता है, वैसे भी आपको एक दो प्रॉब्लम करवाए जिसमें कहेंगे अलग अलग कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी एक्स। अब दोस्त देखो एक्स स्क्वायर का हम लोग पता है पावर में एक जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे, हम लोग पता है इसका भी सी होगा। अच्छा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर देंगे तो क्या होता दोस्त, ए स्क्वायर डी एक्स हो जाता। अच्छा दोस्त एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी, अब देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाता है एक्स, सी आपको याद होनी चाहिए, इसका सी वन दे दो इसका सी टू दे दो, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फाइनली जोड़ के कॉन्स्टेंट बना दो, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इसको कैपिटल सी दे दो। अगर हम डायरेक्ट बीच में सी वन सी टू नहीं यूज करते अपने कैलकुलेशन के लिए, एग्जामिनर भी इस बात को समझता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सी वन सी टू ना यूज करके डायरेक्ट जब कैलकुलेशन कर लेते हैं इस तरीके से तो फाइनल एक सी लगा देते हैं, जो कि आगे भी इस बात को और भी इलोबरेट हम करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आया कि ऐसे रहेगा तो इससे आसान तो कुछ होना, अलग अलग कर देंगे, अब बेसिक इंटीग्रेशन आएगा जो कि पहले भी हम पढ़ रखे उसको कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक आपको ये रेशनल फॉर्मूला हम अपेक्षा करते हैं तीनों समझ में आ गया होगा, याद करने के हम ट्रिक्स बता दी कि कैसे लंबे समय तक याद रखना है। अब आइए इरेशनल फॉर्म फंक्शन जो होंगे उनकी फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं कि इसमें अब जब रूट आने लगेगा तब क्या क्या होगा। तो दोस्त रूट आएगा तो थोड़ा सा लफड़ा बढ़ेगा, ठीक है, रूट आएगा तो थोड़ा सा लफड़ा बढ़ेगा। अच्छा रूट जैसे क्या हो सकता है, देखो दोस्त ऐसे ही इसमें रूट हो सकता है, इसमें रूट हो सकता है, इसमें रूट हो सकता है, ये तीन फॉर्मूला तो होगा, यही तीन फॉर्मूला होगा। अच्छा इसके अलावा अब रूट यही तीनों मान लो उसमें तो ऊपर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन यही चीज़ जब रूट में ऊपर होगा तो दिक्कत होने लगेगी, तो फिर उसका तीन थो और फॉर्मूला हो जाता है, यानी छह फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इन छह फॉर्मूला को हम लोग डील करते हैं, डन, ठीक है, आइए डन करते हैं हम इस छह फॉर्मूला को। तो ये 25 हो गया, इसी में हम लोग ऐसे ही नोट कर लेते हैं दोस्त, आ जाइए तो 25 आप लोग नोट करते चलिए, हम लोग लास्ट में एक टेबल बना के लिख लेंगे सारे फॉर्मूला को, अभी हम लोग लर्न करते ताकि आपको समझा सके सिखा सके कि कैसे कैसे हो रहे हैं। अच्छा दोस्त अब देखो नॉर्मली इस सब पे प्रॉब्लम आएगा, पार्टिकुलर एक सेक्शन सब आएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ जो पढ़ा रहे उसको लर्न करते जाओ, आप खुद किसी को मैथ अच्छे से पढ़ा पाओगे, इसी गारंटी मैं देता हूँ। दोस्त देखो नेक्स्ट क्या है, रूट अंडर वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ठीक है दोस्त याद करो ये वाला चीज़, देखो कुछ कुछ तो याद आएगा। सबसे पहले अब नीचे वाला देता रहे क्योंकि ये दोनों का फॉर्मूला एक ही तरीके के होते हैं, तो पहले इसको देखो ये नीचे वाला याद करो, देखो याद है आप लोगों को, वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता था, लेकिन यहाँ पे वन होता था इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता था, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है ये वाला फॉर्मूला, आप वो ये याद है तो आपको वो याद नहीं है तो ये काम हो जाएगा, अगर वन यहाँ होगा तो उसके हिसाब से कर लेंगे, कॉन्स्टेंट एक जगह पर वन होगा तो वन के स्क्वायर तो वन हो जाता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला सबसे जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन
इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। याद रखिएगा टेन में वन बाई ए है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अच्छा कुछ बच्चे के मन में आ रहा है सर प्रूफ 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 की बात आ रही है कुछ बच्चे के मन में, सर प्रूफ ही सबका क्या होगा। दोस्त एक तो जनरली आपको बहुत सारे सवाल ही आपको प्रूफ के रूप में ही मिलेंगे आगे, और बाकी की प्रूफ की आपको नीड ऐसे नहीं है कि आप करने जा सकते, बहुत सारे सवाल है जिसकी आपको प्रूफ की नीड ही नहीं है, है ना। जहाँ भी प्रूफ की कुछ सवाल है जिसको प्रूफ चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्या कहते हैं आपको आगे सवाल के रूप में ही देखने को मिल जाएगा जिसमें से जिस फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए, तो प्रॉब्लम के रूप में ही डन कर लेंगे। तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब मन में आपके आ सकते हैं, वो ज़्यादा कंक्लूजन हम दूर करते चलते हैं। अच्छा देखिए यहाँ और यहाँ क्या होगा दोस्त, देखिए ध्यान से यहाँ देखिएगा इसका फॉर्मूला, देखिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग, क्या होता है लॉग, आपको लॉग के बारे में बता रहे हैं कि मॉड उसमें रहता है इसलिए है क्योंकि लॉग निगेटिव नहीं ले सकता है। इसका होता है लॉग दोस्त एक्स प्लस, ध्यान सुनिएगा लॉग एक्स प्लस, लॉग के बेस में ई रहता है, नहीं तो लॉन लिख सकते हैं इसी बात को, है ना। लॉग ये सब चीज भी आपको बता रखें लॉग, ठीक है। ये देखो ये चीज टर्म सेम टर्म चिपका देना, लॉग एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है प्लस सी, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, कुछ भी नहीं करना है सेम चीजें। दोस्तों इसमें भी देखो सेम चीजें चिपका देनी है, लॉग एक्स प्लस जो यहां पे है वही चीजें, ये याद रखने का तरीका है क्योंकि अक्सर ये जो फॉर्मूला जो अभी हम लोग लिख रहे हैं ये सब थोड़ा बल्कि फॉर्मूला होता है, बच्चे इस सब को अच्छे से याद नहीं रख पाता, तो तरीका से याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये तीन फॉर्मूला है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको साइन वाला से याद रहेगा कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, यहाँ पर वन वाला से याद रखना कि वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आपको याद रखो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो याद रखो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसमें क्या है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको याद रखना है कि ये दोनों और ये दोनों। अब देखो इसमें सोचो रेशनल वाला तो फॉर्मूला लगने वाला है नहीं, रूट नहीं रहता तो रेशनल वाला लगा लेते, लेकिन इरेशनल बन गया, रूट में आते ही क्या बन गया इरेशनल, रूट लगा दिया क्या बन गया इरेशनल। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है याद रखना कि ये तो कट गया, तीन तो सेटअप ही बन रहा था, इसमें से ये खत्म हो गया, ये बचा इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर सेटअप कर लिए, ये बचा इसको इस फॉर्मूला पर सेटअप कर लिए, लॉग एक्स प्लस ये सेम चीज़ें, लॉग एक्स प्लस ये सेम चीज़ें। ठीक है दोस्त, अपेक्षा करते हैं कि आपको ये तीनों फॉर्मूला भी समझ में अच्छे से आ गया होगा और याद भी धीरे धीरे हो रहे होंगे। अच्छा दोस्त अब बात करते हैं इसके अलावा जो तीन फॉर्मूला का सेटअप है उसके बारे में बात कर ले, इसके अलावा जो तीन फॉर्मूला का सेटअप है उसकी चर्चा कर ले। प्लस सी दोस्त, अब प्लस सी तो आपको भी आदत लगी हुई है सुनने की, प्लस सी देखने की, तो ऐसे ही बहुत चीजें होती है शुरू शुरू में आपको लगता है अजीब सा, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिटेट होते चले जाते हैं। इसके अगला फॉर्मूला है 24, तो तीन अब देखिए क्या हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ, अब यही चीज़ आप उसको हम ऊपर भी तो रख सकते थे ऐसे लाइक ए स्क्वायर प्लस, पॉसिबिलिटी सोचिए पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बस, अब उसके रिगार्डिंग आप फॉर्मूला याद रखने की कोशिश कीजिए। ए स्क्वायर डी एक्स ये हो सकता था, दूसरा 25 हो चुका था 26 27 यही ऊपर में हो सकता था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये 28 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्त ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ये तीन पॉसिबिलिटी संभव है यहाँ से। आइए तीनों के फॉर्मूला देखते हैं, है ना, आइए तीनों को फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे शुरू करेंगे, आप हो सकते हैं सीक्वेंस अप डाउन कर लें, आपको याद रखने के जैसे यहाँ पे हम लोग चूंकि इस मैनर में लिखे हुए तो उसी मैनर में चलेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है ये चीज़ें देख लीजिए ध्यान से गौर से, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तीनों चीज़ें हैं देखो ये याद रहनी चाहिए, एक्स बाई टू देना है तीनों में, x by 2 तीनों में x by 2 फॉर्मूला में तीनों में x by 2 आए। अच्छा
इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मैं याद रखता हूँ मुझे भी याद, क्योंकि याद आप बता हम सब ह्यूमन बींग अगर ऐसे याद करेंगे ना झोल करके तो अच्छे से याद नहीं, एक तरीका से याद रखेंगे, एक्स बाई टू तीनों में याद रखना है। अब फिर क्या करना है, इन तीनों को एक जगह लिख देना है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, जैसे ये हो जाए एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम लोग को बहुत मजा आया, चलो अच्छा चल रहा था। अब क्या करना है, बीच में देना है प्लस, आपको इसके बीच में प्लस, ध्यान दीजिएगा इस दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसमें क्या करना है आपको, इसके बीच में देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसमें बीच में माइनस देना है और इसके बीच में प्लस दे देना है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसमें, दोस्त देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें क्या करेंगे अब देखिए, ये किसका फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला था, देखिए यहाँ ये किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो आप याद रखेंगे, हम याद रखें कि ये साइन इनवर्स एक्स बाई, देखिए ध्यान, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है हम लोग को, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, अब फिर किसका फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू कर लीजिए, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू कर लीजिए। अब ये किसका फॉर्मूला था, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला था ये, तो इसलिए यहाँ पे इसको साइन इनवर्स एक्स, तो ऐसे याद रखेंगे, अभी परमानेंट हो गया शिफ्ट, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई तीनों में होता है, याद रखेंगे कि ताकि तीनों में तीनों फॉर्मूला में एकदम परफेक्ट तरीके से ये वो याद रखेंगे, तीनों को एक से पैटर्न पे सेट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दोस्त आगे देखो यहाँ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसमें ये किसका फॉर्मूला था, लॉग एक्स प्लस इसका, बस कुछ भी नहीं करना, लगा दो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस सी देना मत भूलना भाई, प्लस सी। दोस्त इसके अलावा ये किसका फॉर्मूला था, ये है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है, प्लस सी। दोस्त आप अपेक्षा करते हैं कि आपको जो फॉर्मूला हम समझाए वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और याद करने में मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ऐसे आप याद करते हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती, बट अपेक्षा करते हैं आपको कैसे कैसे याद रखना है, लंबे टर्म में कैसे याद रखना होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा ये फॉर्मूलाज। ठीक है दोस्त, तो आइए अब इसके अलावा ये रेशनल और इरेशनल के अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज है, आइए हम उनको भी ऐड अप कर लेते हैं अपने फॉर्मूला लिस्ट में, जोड़ लेते हैं उनको भी जो कि हमें काम देंगे। तो नोट कर लीजिएगा और आपको अपने कॉपी बनाते चलिए, आप जो मैथ पढ़ा रहे हैं उसका अपना कॉपी बनाते चलिए, और नहीं शुरू से नहीं देख रहे तो आप शुरू से पहले देखते आइए, आपको तब मैथ का मजा आएगा। अपेक्षा करते हैं आप लोग पीछे से एकदम लर्न करते आ रहे हैं। चलिए अब कुछ और ही फॉर्मूला 28 तक हो चुका है तो हम लोग कुछ और भी ऐड कर लेते हैं अपने फॉर्मूला लिस्ट में, आइए 29 देखते हैं। 29 ठीक है, 29 में कुछ फॉर्मूलाज है जिसको हम लोग अभी तक अब जितना हम लोग पढ़े 28 ना, अब ऑलमोस्ट हम लोग इंटीग्रेशन का जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन उसके फॉर्मूला को कंप्लीट करने की कगार पे है, मतलब ख़त्म ही करने वाले हैं। ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, डी एक्स तो रहता ही रहता है। दूसरा 30 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा भी हो सकता है ए के पावर एक्स ई के पावर एक्स और कॉस बी एक्स। दोस्त एक्चुअल में ये सबको प्रूफ ही किया जाता है कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव होके आते हैं, बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप प्रॉब्लम्स को कभी कभी बहुत ही इजीली जल्दी में सॉल्व कर लेते हो, तो ये भी हम लोग फॉर्मूला के तौर पर याद ही रख लेते हैं। बाकी आपको इस तरह के जो है ना सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में ऐसे सवाल ही दे देंगे इसको, बट हमें अभी इसका फॉर्मूला भी देख लेना चाहिए, है ना। बाकी सवाल आएगा तो सवाल के समय तो देखेंगे ही देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x का e के पावर x लिख देना है आपको, टेंशन फ्री सेम चीज़ें,
नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ए और बी दो कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के लिख देना है। फिर आपको करना क्या है, इनटू में ए साइन एक्स, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस, ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ध्यान देखिए बी कॉस बी एक्स, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये आपको सवाल में दिया रहेगा, बी आपको सवाल में दिया रहेगा, ई के बराबर एक सवाल में दिया रहेगा, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं, साइन आपको यही रहेगा खाली, बस एक लाइन में आंसर। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये आपको अलग मार्क्स में आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सही है, आप अप्लाई कर लो, बन जाएगा एक ही लाइन में प्लस सी। दोस्त अब आगे देखो, यहाँ इसको क्या करेंगे, ये सेम चीज़ें कॉपी कर दो, एक बार एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्त आगे देखो, यहाँ से इसमें हम लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे a साइन ए बी एक्स लिखे देना, a cos bx एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a cos bx एक्स प्लस में b साइन bx एक्स। देखिए ध्यान से, a cos bx एक्स और b साइन bx एक्स, देखो cos और साइन तो होना ही है, cos और साइन होना ही, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला में थोड़ा सा कि यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और स्टार्टिंग वाला लिखने में आपको कोई टर्म दिक्कत नहीं आएगी, जब स्टार्टिंग वाला हो जाएगा तो बी लिख के ही उसके उल्टा यानी कॉस बी एक्स इसका कर लेंगे, यहाँ पे ये था तो यहाँ बी होना चाहिए, लगता भी है ना, तो आप इसे याद रखने के तरीका हम बता रहे हैं, तो ये बी होना चाहिए और साइन बी एक्स, साइन बी एक्स तो उसका कॉस बी एक्स अपोजिट रहेगा, यहाँ पे देखिए ए तो यहाँ पे बी होना चाहिए, कॉस बी एक्स है तो इसका उल्टा साइन बी एक्स होना चाहिए, ये अपोजिट, मतलब ये ऐसा नहीं कि अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट याद रखने का तरीका, ठीक। तो आप अपेक्षा करते ये फॉर्मूला भी आपको मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आगे फर्दर इस पर हम प्रॉब्लम कराएंगे ढेर सारे, और ऐसा नहीं लीगल तरीका से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप कर सकते हो, आप आंसर यही आएगा एक लाइन में, ठीक। दोस्त अब आ जाइए, बस थोड़ा सा और इस पर फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रॉपर्टी है ना, ये 30 नंबर, आइए दो तीन प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग याद रखेंगे, फॉर्म इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थोड़ा याद रखेंगे, दो तीन बेसिक प्रॉपर्टी है, रूल जिसको कह सकते हैं, मिटा दे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए कुछ रूल्स है जो कि आपको याद रख लेने हैं, रूल्स इसको भी ऐड करने, क्या 30 हो गया था हम लोग का, 30 हो गया था रूल्स, जैसे पहला रूल इसमें आपको क्या याद रखना है दोस्त, एक्सक्यूज मी थोड़ी देर रुक जाइए, सॉरी साइलेंट में, चलिए आइए देखते हैं फिर। देखिए दोस्त रूल्स में बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्या चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अगर सी एफ एक्स रहे, जो कि आपको पहले भी आपके साथ हम मेंशन कर रखे हैं, सी एफ एक्स रहे तो हम क्या कर सकते हैं, c को बाहर कर देंगे कांस्टेंट को और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपको ध्यान रखने, कांस्टेंट को आप बाहर कर लो आराम से, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन की आपको चिंता नहीं, कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्त। चलिए देख नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दूसरा सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस जेड एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस, इस तरह से बहुत सारे कुछ भी रहे प्लस माइनस, इस तरह से अलग अलग फंक्शन जोड़ या घटाओ में आप उसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस माइनस देने का मतलब समझ में आ रहा होगा, जैसे 2 प्लस माइनस 3 का मतलब होता है 2 प्लस 3 रहेगा तो 2 प्लस 3, अगर प्लस रहेगा तो 2 प्लस 3 करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो 2 माइनस 3 लिखेंगे, तो वो इसके बीच में जैसा सिंबल रहेगा उसके अनुसार, तो दो फॉर्मूला इसमें बनता है, तो दो फॉर्मूला क्यों बना, एक ही साथ लिख लेते हैं, है ना। अगर फिर इसके बाद अगर अलग अलग कर लेंगे, फिर जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस जेड एक्स डी एक्स प्लस माइनस के एक्स डी एक्स। दोस्त अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे करके जो आता है, अगर अलग अलग करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी सेम साइन रहेगा उसके अनुसार वही सेम चीज़ आएगी, तो
तो आप ऐसे अलग अलग कर लो। तो जब भी हमको लगता है, जैसे भी हम किए थे ना हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला काम, तो क्या कहते थे, प्लस माइनस में था, तो इसको क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर को डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अलग अलग करके बताए थे आपको कि अलग अलग करके कर लेना है। तो वही बात ये आपको इस रूल के अनुसार होता है। तीसरी जो रूल आपको ध्यान में रखने वाली जो बात है, जो रूल आपको याद रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। मान लीजिए कोई लीनियर रहेगा अंदर में, आपको बताया पहले कि लीनियर, तो लीनियर में आपको क्या दे दोस्त, मान लीजिए कुछ इंटीग्रेशन होगा तो हम कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी लीनियर आ गया। अब बट्टा में जो इसका डिफरेंशिएशन लीनियर रहेगा तब, याद है अब कई बार हम आपको बताया पीछे में, लीनियर रहेगा तो फिर इसका क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई वाला जो बात होता था डिफरेंशिएशन में, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन में, यहाँ क्या करना है डिवाइड, यहाँ क्या करना है डिवाइड। कभी कभी आप भूल जाओगे कि आदत रहता है हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे मल्टीप्लिकेशन करने का, तो इंटीग्रेशन भी कर दोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस समय आप लिखो नीचे में ना आपको याद रखना मल्टीप्लाई कर, अरे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं डिवाइड करना, क्योंकि हम भूल जाते हैं कभी कभी, हम लोग को ऐसा हो जाता है तो वो मिस्टेक्स आपको करवा देगा, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑल द आपको ये जो क्या फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए हम लोग का 30 था, 31, 32, 33 दोस्त, 33 फॉर्मूला अभी तक हम लोग एडअप किए हैं अपने इस इनडिफिनिट इंटीग्रेशन वाले में। अपेक्षा करेंगे कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम हमसे मिलो नेक्स्ट लेक्चर में, आप पूरे फॉर्मूला के साथ मिलो। कुछ फॉर्मूला हम ये काम करते हैं, जैसे कि हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करते हैं, या फिर हम इसी लेक्चर में आपको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पूरे फॉर्मूला का लिस्ट। आप लोग एक बार पूरा फॉर्मूला का लिस्ट नोट कर लोगे। फिर इसके अलावा एक लेक्चर हम छोटा सा ही ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का बना देंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री आपको यहाँ यूज होंगे फ्रिक्वेंटली, बहुत बहुत ज़्यादा यूज होंगे। फिर से सुनिए, जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़े हैं, जहाँ मतलब बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में एक सेक्शन है, तो वो पूरा नहीं, जो जो मेन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई में बराबर आएंगे हम वो फॉर्मूला आपको अलग से मेंशन कर देते हैं, ताकि आपको वहाँ भी दिक्कत ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला का लिस्ट एडअप कर दे, और आप उन पूरे लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए, और फिर आगे हम लोग फिर ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला देख लेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व पे, कैसे कैसे हम फिर इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ से डील करना शुरू करेंगे। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, तो आप लोग बोर्ड पे लिखे हुए सारे फॉर्मूलाज को जो हम लोग समराइज करना चाहते थे, उन सारे फॉर्मूलाज को आप क्या करो, नोट डाउन कर लो, अच्छे से स्नैप ले लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, हम रिवॉल्व कर दे रहे हैं, आप सारे फॉर्मूला को समराइज कर लो, ये सारे फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है, अपने कॉपी में और नोटबुक में नोट डाउन करके नोट कर लो अच्छे से, पूरे फॉर्मूला समराइज हो जाना चाहिए आपके पास, पूरे फॉर्मूला रहने चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो पूरे फॉर्मूलास, वीडियो रोटेट करके रोक करके आप नोट डाउन कर लो सारे फॉर्मूला, आपके कॉपी में लिस्ट हो जाने चाहिए, और आपके माइंड में भी सारे मेमोराइज हो जाने चाहिए। तो हमने सारे फॉर्मूला आपको नोट डाउन करवा दिए हैं, आप नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। तो अब स्टूडेंट्स, अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इन सारे फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लिए हैं, आप लोग इन फॉर्मूलाज को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। आपको याद करवाने के लिए जितना हमसे हो सकता था हमने सारी कोशिश, शायद जो आपको हम करके दिए, एक्चुअली में टीचर लोग का भी मार्केट का ही देख लो, अब जितने वीडियो आप लोग भी देखते हो वीडियो, तो एक तो वीडियो देखे हुए नहीं आप भी, मतलब जितने बहुत सारे लेक्चर्स बन के आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप लेक्चर देखना, उसमें आपको हमेशा फोकस टीचर का रहता है, भाई अपना काम हो जाए बस खत्म। देखो सिलेबस टारगेट करने पर बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आती है, सबसे बड़ी बात हम कोशिश करेंगे सिलेबस खत्म करने की बात खाली केवल करें, तो आपकी सिलेबस जो है उसको हम 10 दिन में ख़त्म करके आपको दे दें, है ना, कोई सिलेबस ख़त्म करना बड़ी बात नहीं होती है दोस्त, बात है कि आप एक सुपीरियर तरीके से कैसे लर्न करो, है ना,
मतलब अगर हम आप चाहो एक के दिन में आपको पूरा शिष्य पंडित बनाना, तो पंडित आप बन नहीं सकते एक दिन में। और एक दिन में पंडित बनने के भी तो बस वैसा ही पंडित बनोगे कि एगो मंत्र यहाँ का आएगा, एगो वहाँ का आएगा। तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, हमें पढ़ना चाहिए एक तरीका से, मैनर से, ताकि एकदम ग्रैप हो अंदर में, पूरी जो भी चीज़ पढ़े एकदम मतलब मज़े से अंदर में समाए, बॉडी में, माइंड में, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आप देखोगे नॉर्मली तो हम सिलेबस, ऐसा नहीं कि मतलब आपके सिलेबस, आप सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे का कमेंट में रहता है सर ऐसे रहेगा सिलेबस, अरे सिलेबस हम ख़त्म करके देंगे आपको, बोले कि हम 5 दिन से 10 दिन के अंदर में आपको सिलेबस कंप्लीट करके दे सकते हैं, है ना। उसकी चिंता आप मत करो, आपकी पूरी सिलेबस मेरे बॉडी में, मतलब माइंड में पूरी इतनी मेहनत की आपके सिलेबस पे, जो कि पढ़ा कर टीचिंग स्किल्स बहुत सारे, तो आपको उसकी चिंता ना करनी है। आपको ये पूरा ग्रैप कर लेने हैं, पूरा फॉर्मूला याद कर लेने हैं, अपेक्षा करेंगे आप लोग अच्छे से लर्न भी कर रहे हैं। पीछे वाला वीडियो मेरा कोई भी लेक्चर छोड़िए मत, पूरे पीछे वाला वीडियो जो भी है उसको जाके देखिए, मतलब आपको थोड़ा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। रह गए आपको कोई भी इशू इससे रिगार्डिंग है, तो आप मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 8825161664 पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार के इशू आपको polytechhub.com से रिलेटेड लगता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग का एक ही काम है भाई, वीडियो देखो अच्छे से, नोट करो अच्छे से, पढ़ो एकदम तरीका से। और दूसरा काम क्या है कि अगर आपसे आपको कुछ मेरे लिए भी टाइम बच जाता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि हमें भी मज़ा आए। बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो हमें क्या है ना कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन फॉर्मूला यूज होने वाला है इसके रिगार्डिंग बताएं। हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो, लेकिन इस चीज़ से ये नहीं, इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं। हम लोग पढ़े भी रहते तो बहुत कुछ भूल गए हुए रहते, ऐसा थोड़ी ना कि हर बात हम लोग को याद रहता है। किसी को याद नहीं रहता, मास्टर को भी याद नहीं रहता है। मास्टर जबकि 40 बार रट ले रहता है, उसके बाद वो पढ़ाने के पहले पढ़ के जाता है। तो ये माइंड में मत रखो कि वो पढ़ा रहा है, मास्टर को कितना याद है। हम आपको सिखाएं कि हम याद कैसे रखें, यार सबको याद करना पड़ता है, सबको रखना पड़ता है। और जब टीचर जो कोई भी आपको बोलता है कि बच्चा गधा है, उसको याद नहीं हो रहा है, यार ऐसा नहीं है, वो एक बार में नहीं कि आपको लगता है अरे एक बार में कर लिया मास्टर तो बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सब मास्टर इतना पढ़ने के बाद वो भी वो पढ़ के जाता है, तो समझो 40 बार पढ़ा तब याद हुआ। आप कोशिश करो 2-3 बार ट्राई करो ना, आप मास्टर जैसे आपको याद भी होने लगेगा, कोई बड़का बात नहीं होता है, है ना। आप खुद को कम मत आंको, क्योंकि वो आप जिस दिन आप उस पोजीशन पर जाओगे आप भी उतना ही काबिल रहोगे, उससे ज़्यादा भी काबिल हो सकते हो, ठीक है दोस्त। तो मेरा कहना इतना है कि बस आप इसको करके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। और हम कह यही कह रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री की बात जो करोगे ना, ट्रिगोनोमेट्री हम आपको यहाँ फॉर्मूला वो लिखाएंगे जो फॉर्मूला आपको यूज में बराबर आएंगे। वो लेक्चर हम स्किप भी कर सकते थे ऐसा मान के, बट नहीं, हमको मानना यह है कि ऐसे आप कुछ भी नहीं जानते फिर तब हम आपको सिखा रहे हैं। आप एक नॉर्मल, आपको बेसिक बेसिक आइडिया की कैलकुलेशन आती है, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते तब हमको आपको अच्छे से सिखाना है ना। ना कि हम सोच के मान के चले कि आपको बहुत कुछ आता है फिर हम सिखाए, ऐसा नहीं है। हम मानेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, और जो बहुत ज़्यादा काबिल है, जिनको लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो वो ये वीडियो लेक्चर उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए बना रहे हैं वीडियो लेक्चर, जिनको लगता है कि हमें नॉलेज सीखना है, मेरा कप अभी खाली, जिसका कप भरा हुआ है वो, उनके लिए बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए यूट्यूब पे, और भी एडवांस लेक्चर भी पढ़े हुए हैं। तो वो जाके जैसे आप IIT JEE उससे आगे जैम का वीडियो देखो, IIT JEE मतलब आपके मैथमेटिक्स बहुत भंडार है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो जो एडवांस है। जिनको लगता है कि नहीं हमको लर्न करना है, हमारा कप भी खाली है, हमको एक अच्छे तरीके से टीच करना है, वो मेरे साथ जुड़े रहे, हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।